YouTube चैनल डी लर्न आईटीआई में आज का जो हमारा क्लास है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। हम फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी के एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे और आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखना ना भूले। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस विशेष फाइल का उपयोग कम चौड़े काम के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा स्क्वायर फाइल, तीसरा ड्रेडनॉट फाइल और चौथा ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा स्पेशल फाइल है जिसके सहायता से हम नैरो वर्क कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट, स्लॉटेड कैस्टल नट में ग्रू क्यों दिए जाते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो स्लॉटेड नट होता है उसमें स्लॉट कटे होते हैं, मतलब ग्रू कटे होते हैं, तो वो ग्रू क्यों कटे होते हैं, किस लिए दिया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू फिक्स स्प्लिट पिन, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर गुड अपेयरेंस, मतलब अच्छे दिखने के लिए। तीसरा रिड्यूस द वेट ऑफ नट, मतलब नट का वजन कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट, मतलब जैसे क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन है हमारा आसानी से निकालने और फिट करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटेड कैस्टल नट में ग्रू क्यों दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू फिक्स स्प्लिट पिन, मतलब जब हम नट को लगाते हैं, नट को लगाने के बाद उसे लॉक करने के लिए एक स्प्लिट पिन को लगाया जाता है, तो उस स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस गेज का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, दूसरा टेपर प्लग गेज, तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गेज का नाम क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर देख सकते हैं कि गो और नॉट गो दोनों भी एक ही एंड पे है, तो इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा गेज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में ही सिर्फ गो और नॉट गो दोनों एक ही एंड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, तो स्क्रीन पर आपको गेज का डायग्राम दिखाया गया है, ये हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेजेस है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा प्लग गेज, तीसरा टेपर रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है टेपर प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिंग गेज। रिंग गेज मतलब जैसे नॉर्मली प्लेन रिंग गेज बोला गया है, इसका उपयोग होता है कोई भी जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक करने के लिए, आउटर डायमीटर को चेक करना, प्लेन डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, मतलब दो मैटिंग पार्ट के बीच की क्लियरेंस को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। जब भी हम दो पार्ट को असेंबल करते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता ही है, तो उस समय कौन से गेज के सहायता से हम चेक कर सकते हैं उस गैप को, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा प्लग गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि दो फिटिंग पार्ट के बीच की क्लियरेंस को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलर गेज। तो जैसे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको क्लास वाइज, तो इनकी अगर पीडीएफ आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक प्रोवाइड किया है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वैक्स, दूसरा केरोसिन, तीसरा सोलूबल ऑयल और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से मटेरियल का उपयोग करके हम स्लिप गेज को साफ करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को धोने के लिए मतलब क्लीन करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा केरोसिन, तीसरा कूलेंट ऑयल और चौथा पेट्रोलियम जेली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे हम लैपिंग प्रोसेस करते हैं जॉब की फिनिशिंग करने के लिए, तो लैपिंग ऑपरेशन होने के बाद लैपिंग प्लेट को जो क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम
रस्ट मतलब स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा वैक्स, तीसरा केरोसिन और चौथा है पेट्रोलियम जेली। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, मतलब रस्ट को स्लिप गेज के ऊपर जंग लगने से बचाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के लिए स्लिप गेज को निर्मित करने की प्रक्रिया क्या है। मतलब जो स्लिप गेज होता है यह बहुत सारे पीसेस में होते हैं, तो अगर हमें डायमेंशन के लिए स्लिप गेज को बनाना है तो उस समय कौन से प्रोसेस करके स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, मतलब सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक की अधिकतम संख्या। दूसरा तीसरा ऑप्शन है बिल्ट विद ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, मतलब ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित करें। और चौथा ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज, मतलब छोटा जो स्लिप गेज होता है उसके सहायता से उसको स्टार्टिंग में उसका छोटे स्लिप गेज को लेकर रिंगिंग स्टार्ट करें। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था विच व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर डायमेंशन, मतलब डायमेंशन के लिए जो स्लिप गेज होता है स्लिप गेज को बिल्ट अप करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। मतलब जो कम डायमेंशन होता है, मतलब उसके थिकनेस के ऊपर उसका डायमेंशन रहता है, कितने कितने थिकनेस का, हर एक जो पत्ती होती है हर एक के ऊपर अलग अलग डायमेंशन का होता है, जैसे 0.1, 0.2, 1.5, 2 mm, 2.5। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जितने कम डायमेंशन वाले होते हैं उनसे रिंगिंग करके जोड़ते हुए आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, तो स्क्रीन पर आपको गेज का एक डायग्राम दिखाया गया है, तो इस गेज को हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गेजेस का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया डायमेंशनल एक्यूरेसी का उच्च अंश रखता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग, चौथा ऑप्शन है लैपिंग। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि फिनिशिंग प्रोसेस के लिए जो निम्नलिखित चार ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे अच्छा एक्यूरेसी के लिए कौन सा प्रोसेस को फॉलो किया जाता है हाई एक्यूरेसी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग, क्योंकि लैपिंग सबसे हमारा जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है, फिनिशिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है लैपिंग और होनिंग। अगर जॉब राउंड जॉब रहे तो लैपिंग होनिंग किया जाता है, और फ्लैट जॉब रहे तो लैपिंग किया जाता है। ये हमारा होता है लैपिंग जो प्रोसेस है या फिनिशिंग का लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील को लैप करने के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा डायमंड, तीसरा बोरॉन कार्बाइड, चौथा फ्यूज्ड एल्युमिनियम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि कौन से मटेरियल के साथ, जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस स्टील को लैप करने के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज्ड एल्युमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ग्रू आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, जो आपको दिखाई दे रहा है लैपिंग प्लेट, इसके ऊपर जो ग्रू कटे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच बीच में ग्रू कटा है, तो ये ग्रू क्यों दिया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू अलाउ एक्सपांशन, मतलब विस्तार की अनुमति के लिए, दूसरा टू प्रोवाइड क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, तीसरा टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब कठोर धातु को बनाए रखने के लिए, चौथा ऑप्शन है टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, मतलब छोटे एडजस्टमेंट की अनुमति के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रू क्यों दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लैपिंग प्लेट है, इसके ऊपर एक ग्रू कटा हुआ है, तो ये ग्रू क्यों दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब कठोर धातु को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस हार्डनिंग का जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे दिखाया गया है, तो इस मेथड का नाम क्या है यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरफेस हार्डनिंग की यह कौन सी विधि है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पैक कार्बोराइजिंग, इसके जो ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही जो मटेरियल हमारा होता है उसे रखकर, उसके बाद इसके ऊपर जो बहुत सारे मटेरियल होते हैं उसे रखकर इसे पैक किया जाता है, जिसे कहा जाता है पैक कार्बोराइजिंग प्रोसेस आई है सरफेस हार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस हार्डनिंग का मेथड दिखाया गया है, तो इसके सहायता से हमें पहचानना है कि इस मेथड का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फिल्म हार्डनिंग और चौथा इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि सरफेस, जो हमारा सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस आपको दिखाया गया है मेथड, इस मेथड का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलो बाय कूलिंग। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ठंडा करने के बाद हार्ड स्टील को पुनः गर्म करने की हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब वह हीट ट्रीटमेंट कौन सा प्रोसेस है जो फिर से गर्म किया जाता है, रीहीटिंग मतलब फिर से गर्म किया जाता है हार्ड स्टील के लिए, जो टेम्परेचर इसका 400 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब कटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेन और तनाव को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन की संरचना को परिष्कृत करने के लिए, चौथा ऑप्शन है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब टफनेस और हार्डनेस को नियंत्रित करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब हार्डनेस और टफनेस को नियंत्रित करने के लिए ही टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है, और टेम्परिंग प्रोसेस कब करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछा गया, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तभी भी यही क्वेश्चन रहता है, बहुत बार पूछा गया और आईटीआई के एग्जाम में भी, कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब कटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, दूसरा टू इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, मतलब घर्षण की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, तीसरा टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब आंतरिक तनाव को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, मतलब स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो हमारा एनलिंग प्रोसेस है, स्टील के ऊपर एनलिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, तो स्क्रीन पर आपको एक जॉब दिखाया गया है और उसके ऊपर एक की है, तो इस की का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से हाफ राउंड है, तो ये है हमारा की, तो ये कौन से टाइप का की है यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संघ की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द की, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है ये की, इस की का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, मतलब की का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट टॉर्क, मतलब टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है असेंबली पर्पज, मतलब असेंबली के लिए, तीसरा ऑप्शन है लॉक द असेंबल असेंबली पार्ट, मतलब असेंबली जो हमारा पार्ट होता है असेंबली करने के लिए उसे लॉक करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट, मतलब दो मैटिंग पार्ट के बीच में क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, मतलब की का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट टॉर्क, मतलब टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेपर की वे टेपर, मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर, टेपर की जो की वे होता है उसकी रेशियो क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:90, ये आपको जो दिखाई दे रहा है 1:90 है, 00 नहीं है, ये पीछे के 00 जो दिखाया गया ये 00 नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1:20, तीसरा ऑप्शन है 1:50 और चौथा ऑप्शन है 1:100। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि टेपर कीवे की टेपर का अनुपात क्या होता है, मतलब कीवे का टेपर का रेशो क्या होता है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। तो स्क्रीन पर आपको एक असेंबल जॉब दिखाया गया है, असेंबल पार्ट है, इसमें जो ये आपको दिखाई ये की है और इस की को ये अलग से यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का की है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर संग की, दूसरा फ्लैट सैडल की, तीसरा पैरेलल संग की, चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो असेंबल, ये जो असेंबल आपको दिखाया गया है, इस असेंबल करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है, तो इस की का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेपर संग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेपर में बना है, इसलिए इसका नाम दिया टेपर संग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मटेरियल के स्क्रू का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेल्फ प्रीसेसिंग, सेल्फ पियर्सिंग, दूसरा थ्रेड कटिंग, तीसरा थ्रेड फॉर्मिंग, चौथा हैमर ड्रिवन स्क्रू। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मटेरियल के स्क्रू का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का एडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। विंग नट बहुत बार आपने देखे होंगे, जब हम हैक्सॉ के सहायता से कट करते हैं तो उसके पीछे जो नट हम टाइट करके ब्लेड को फिक्स करते हैं उसे कहा जाता है विंग नट। तो इस विंग नट का एडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन कोच बिल्डिंग वर्क, मतलब कोच बिल्डिंग वर्क में, दूसरा हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, मतलब भारी असेंबली कार्य में, तीसरा लूज एंड टाइट विदाउट रेंच, मतलब टाइट और ढीला करने के लिए जो जिसमें कोई भी रेंच की आवश्यकता ना हो, और चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, मतलब सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विंग नट का एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, मतलब टाइट और ढीला करने के लिए कोई रेंज की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो स्क्रीन पर आपके गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का गेज है ये हमें पहचानना है। तो गेज को पहचानने के लिए इसके आकार से ही हमें पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में पत्तियां दिखाई दे रहा है, तो इसके सहायता से आपको पहचानने की कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच गेज, दूसरा एंगल गेज, तीसरा फिलर गेज, चौथा रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इस गेज का नाम क्या है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेडियस गेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेडियस होता है हाफ राउंड में, तो ये इसके सहायता से कोई भी जॉब का हम रेडियस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड की एक्यूरेसी की चेक जांच करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्नैप गेज, दूसरा थ्रेड रिंग गेज, तीसरा थ्रेड प्लग गेज, चौथा सेंटर गेज। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि एक्सटर्नल थ्रेड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। तो जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारा एक जॉब है, और जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जा रहा है, मतलब आउटर डायमीटर चेक किया जा रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसके सहायता से एक्सटर्नल डायमीटर को चेक किया जा रहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर, तीसरा पैरेलल लेग कैलिपर, चौथा पेयर ऑफ स्पेशल जॉब आर यूजिंग स्लिप गेज, मतलब स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जॉ की जोड़ी। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो जॉब है, जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जा रहा है, तो एक्सटर्नल डायमीटर चेक करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेयर ऑफ स्पेशल जॉब आर यूजिंग स्लिप गेज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्लिप गेज का पेयर है, जो स्पेशल जॉ की सहायता से इसको पकड़कर जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। ये तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें से ये आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की हाइट कैलकुलेट करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्लिप गेज की हाइट, यहाँ पर ये दिया है, तो ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या दिया गया है, साइन थीटा, साइन की वैल्यू दिया है 25 डिग्री, और जिसका मान होता है 0.4226। इसके सहायता से आपको कैलकुलेट करना है। इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ऑप्शन और आंसर देखते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है 84.50 मिलीमीटर, दूसरा 84.52 मिलीमीटर,
तीसरा 84.51 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 85.20 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया था कि हाइट ऑफ स्लिप गेज जिसका कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमें दिया था साइन की वैल्यू 25 डिग्री और 25 डिग्री का मान होता है 0.4226। तो ये जो हमें कैलकुलेट करना था हाइट, तो इसका इसके लिए फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसका जो सही आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद 84.52 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने सेट के फिलर गेज उपलब्ध होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट नंबर 1 और 2, दूसरा सेट नंबर 1, 2, 3, 4, तीसरा सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और चौथा सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने सेट के फिलर गेज उपलब्ध होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज, रेडियस और फिलेट गेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील, चौथा मीडियम कार्बन स्टील। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि रेडियस और फिलेट गेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेनलेस स्टील। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी MCQ, इसके इस क्लास में हम आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के कंटिन्यू क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हम इसी तरह की रेगुलर क्लास आपका एग्जाम होने तक कंटिन्यू करवाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें।